ऑल राइट है व्हाट्सअप इट्स सौरभ स्टाइलिस्ट। सो गाइस आज का ट्रांसफॉर्मेशन ब्लॉग 2 है, आई मीन डे 2। तो आज हम लोग, आज तो मेरी छुट्टी है वैसे, और आज मैं जाने वाला हूँ, आज मैं कहीं नहीं जाने वाला, आज मैं घर पे रहूँगा, आराम करूँगा। और अभी मैं उठाऊँ जस्ट, और उठ के मैं नहा धो के बस आया ही हूँ, और उससे पहले मैं इडली खा के आया था, उसका टेक आप देख लेना। और अब मैं आराम करूँगा आज, और आज तो कोई नहीं है। आज मैंने सोचा था वीडियो बनाऊंगा, बट मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सोचा कि चल मैं अपने रूम की साफ़ सफाई कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस रूम में अकेला रहता हूँ और मुझे यहाँ पे वीडियो बनाने में मज़ा आता है। और वैसे देख रहे हो सिंपल एकदम। तो ये है कुछ आज का लुक। और भाई क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ, आप लोग इतना सही रिस्पॉन्स दे रहे हो, एक दिन में 100 भी हो तो 10 दिन में 1000 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा है, आज 100 आ रहे हैं, कल एक दिन में 1000 आएंगे, 8000 आएंगे। और आज मैंने सोचा कि फ़ोन से नहीं, कैमरे से ब्लॉग करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने कैमरा यूज़ नहीं करा था। ठीक है, और तुम्हें बताओ आई लुक, मैं बाल बढ़ा रहा हूँ एज यू नो। तो जो ये रूम जो है, ये मतलब मेरा पर्सनल रूम है, पर्सनल रूम नहीं था, मतलब ये ऊपर का खाली था, इसमें कोई नहीं रहता था, और इसमें मतलब बंगाड़ अंगाड़ ये सब पड़ा रहता था। तो मैंने सोचा इस रूम को क्यों ना अपने काम के यूज़ में करा जाए, और मैं इसमें वीडियो बनाने लगा। तो धीरे धीरे करके मैंने थोड़ा बहुत सेटअप कर लिया, और मतलब ये रूम इतना ख़ास नहीं है, बट क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और शाम को जाएंगे जिम, जिम जाने से पहले कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद मिलते हैं। एक बार मैं अपना रूम दिखा देता हूँ कैसा है भाई। देखो मैं कोई बहुत बड़ी फर्म नहीं हूँ कि मतलब मैं फर्म हूँ, अमीर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे तुम लोग हो वैसे ही मैं हूँ, ठीक है, मतलब खुद से किया है, सबसे अपने दम पे किया है, ठीक है, खुद से किया है बट अपने दम पे किया है। और हाँ, मैं इस रूम को आने वाले टाइम में ज़रूर डेवलप करूँगा करूँगा, कमेंट करके बताना कैसा करना चाहिए। पसीना बहुत आ रहा है, चलो मैं दिखाता हूँ एक बार रूम मेरा कैसा है। ओके, तो आज मेरी छुट्टी है, आज मैं जाऊँगा जाने तो पहले, मतलब मैं सुबह से तो पता नहीं आता नहीं, तो मन कर दुकान से जाता हूँ, है बहुत जगह है, बट मुझे इनका डोसा पसंद है, आई डोंट नो, इनका टेस्ट अच्छा लगता है। और चांदनी चौक से मेरे को कैमरे की लाइट लानी है, और एक बैकड्रॉप लाना है वाइट कलर का प्लेन, और फोटोशूट है। हाँ, बाकी स्टूडियो के लिए अभी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, स्टूडियो जो है किसका ना करना। और आज मैंने ये लोग रखा है, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पता नहीं हटने क्यों आ रहे हैं। चलो मिलते हैं सीधा भाई, और मेरा दोस्त सारा सत्यम पहले उससे मिलेंगे, फिर जाएंगे बाय। अपना दोस्त कट कर दे, तो मेरा रूम कुछ इस टाइप का है, ये देखो, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, फर्श नॉर्मल है, मैं यहीं पे सोता हूँ, इस कूलर ये चला लेता हूँ। और ये पहले पूरा खराब, एकदम ख़राब दीवार हो रही थी, ये मैंने कराया था कलर, बट दोबारा कराना पड़ेगा क्योंकि उस बेकार ने करा, एकदम बेकार एकदम। और यहाँ मैं अपनी डेली यूज़ की चीज़ें रखता हूँ, जो मैं डेली यूज़ करता हूँ फिलहाल, तो आप देख सकते हो मैं ये सब यूज़ करता हूँ डेली लाइफ के। ठीक है, ओके ओके ओके, नाइस। और ये अपना गणपति बाबा, यहाँ मैं अपनी कृष्ण जी की मूर्ति खिलाऊँगा बड़ी सी, पहले वहाँ एक होम थिएटर हुआ करता था, बट मैं वो नीचे शिफ्ट कर दिया क्योंकि वो LED से कनेक्ट है। और ये अपना छोटा सा पंखा, गंदा हो रहा है बता रहा है, ये छोटा सा पंखा, ये कूलर, बस क्या यार यही लाइफ है। और ये मैंने मिरर लगा लिया था बस, ठीक है, मिरर लगा लिया था क्योंकि अच्छा लगता था। और सामने का भी एक बार बजाना, ये गिटार है, मैं बजाता था पहले, और अब तो मैं यहाँ पे अपना इसमें कैमरा रख लेता हूँ, इसमें लाइट, वो मेरा स्टैंड, ना कि यहाँ पे अपना बैग वैग रख दिया तो रख दिया, ये तो ऐसी है, नीचे बुक्स है, बाकी ये दो पेटी, इसमें कुछ है मुझे नहीं पता क्या, बस मम्मी ने बोला ऐसे रखा रहते। और इसके नीचे मैं रखता हूँ अपने रोज पहनने वाले जूते, मेरे पे अभी तो नहीं है, मतलब हैं तो बहुत सारे, बट मैं रेगुलर यूज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो। और बाहर का व्यू कुछ इस टाइप का है, देख लो, इतना ख़ास नहीं है, बंदे सोचते हैं मैं बहुत अच्छी जगह रखूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए बहुत बढ़िया है ये भी जगह जो है ना, मेरे लिए बहुत बढ़िया जगह है। तो व्यू देखो अब, तो नदी सामने मंदिर है, व्यू आज तो एकदम ओके की रिपोर्ट हो रहा है। कैमरे की क्वालिटी कैसी है मेरे को बताना, क्योंकि ना
कैमरे और फ़ोन में फ़र्क होता है मेरे भाई, वो यही फ़र्क है देखो। तो कुल मिला जुला के मैं इसी वाले रूम में रहता हूँ। जो भी है ये यहाँ पे सारा कबाड़ खाना यहाँ पे भर रखा है पूरा, जो इस रूम में था। बाकी मेरा यही रूम है, मैं यहाँ से यहाँ ट्राईपोड लगा के पीछे का बैकग्राउंड आता है जो आता है वहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ इस दीवार को पूरी प्लेन वाइट करा लूँ और इस दीवार को ग्रे, लाइट ग्रे, और कुछ यहाँ पे फोर फर्श पे अच्छा सा मतलब पूरा कारपेट बिछवाऊँ प्रॉपर करके, क्योंकि थोड़ा खर्चा होगा बट अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता ही है मैं इतना कमाता नहीं भाई, कितना मेरा खर्चा है, मेरा खर्चा कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तुम्हें किन नहीं मानोगे, मेरा खर्चा 10-12 हज़ार रुपये महीना है, 10-12 हज़ार रुपये महीना, जिसमें से मेरी जिम की डाइट प्रॉपर नहीं आ पाती सच बताऊँ तो। अभी मेरे को मतलब ना मेरे के जब से खर्चे बढ़े हैं ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, अर्न करने का मेरा कोई भी सेकंड प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि जिससे मैं अर्न कर सकूं। और मैंने ब्लॉगिंग इसलिए छोड़ी थी क्योंकि भाई मैं पक चुका था कि अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी मेरी लाइफ, अब है जाके कुछ अच्छी खासी लाइफ, और क्या ही बताऊँ लाइफ में क्या चल रहा है। तो भाई सपोर्ट करो, लाइक करो ब्लॉग को, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को भाई, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो। बाकी देखो तुमसे जो बात करनी थी वो ऐसी कुछ भी नहीं बात थी, और जैसे मतलब मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मैं बता दूँ क्या सीन है मेरा, मैं सुबह उठता हूँ, मैं रूम वूम की सफाई करी जो भी करा, मैं पहले सुबह वीडियो बना लेता था 9-10 बजे, बट तब से मतलब जॉब का ये सब शेड्यूल पड़ा है ना, उसके बाद मतलब मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। हाय गाइस, ये सामने वाला पड़ोसी आके मेरे को हंसता हुआ देख रहा है, हेलो छोड़ो से। तो हाँ, तो मैं कहाँ था, तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता सुबह मॉर्निंग में उठ के, मतलब मैं रूम वूम की सफाई करी फिर सीधा जॉब पर निकल गया, क्योंकि 12 बजे पहुँचना होता जॉब पर। और फ़ोन से और ब्लॉगिंग के लिए देखो रोज़ मेरे को छुट्टी तो मिल नहीं सकती जॉब से, तो मैं अपना जब भी मेरे को या सुबह जल्दी उठ के चला जाता था या रात को जाता था ब्लॉग बनाने या शूट करने जो भी। और वीडियो बनाने का मन इसलिए नहीं करा क्योंकि भाई इंस्टा पर आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो अब मैं यूट्यूब पर जो मेरी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है मैं सब डालूंगा, सब कुछ डालूंगा, सब कुछ जो मेरा मन करेगा सब डालूंगा, और आपको देखना आपका काम है, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जो बोलोगे वो वीडियो बनाऊंगा जो होगी बस, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शाम को जाएंगे जिम, और आज मैं मारूंगा बैग मारेंगे, 3 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ रेगुलर ब्लॉग डालूँ, हफ्ते में 3 तो डालूँ, वैसे मेरे तो रोज़ ही डालने का मन है, बट 3 डालूँगी क्योंकि रोज़ डालना मुश्किल है, क्योंकि रोज़ कंटेंट लूँ सोचना कि क्या है क्या नहीं। बाकी तुम्हारे भाई ने अपना रूम दिखाई दिया कैसा है कैसा नहीं, मैं यहीं रहता हूँ। और क्या क्या करेंगे भाई, अपनी एक सैलरी में कितना हो जाएगा, सैलरी ज़्यादा नहीं है, इतनी है कि इतनी है सैलरी नहीं बताऊँगा अभी, पहले ठीक ठाक है, घर में भी दे देता हूँ और अपना खर्चे सारे खर्चे पूरे होते हैं। सोच लो मेरा 12 हज़ार रुपये खर्चा है, तो मेरा 12 हज़ार रुपये भी खर्चा हो जाता है पूरा महीने का, और घर में भी दे देता हूँ, तो सोच लो कितनी गैस करो कितनी होगी सैलरी। और हाँ, मैं इतना बतिया क्यों रहा हूँ, सब मेरे को बहुत बोलने की आदत है। और तुम्हारा भाई आज अपने कैमरे से ब्लॉक कर रहा है, बता देना कैमरे से ब्लॉक करूँ नहीं करूँ। आज मेरे पे है 200 डी मार्क 2 और 1 30 30 ओनली 13 128 जो भी मैंने वो खुद के दम पे लिया था, और कैमरा भी खुद के दम पे, मतलब थोड़ा बहुत पापा ने सपोर्ट करा था, कैमरा मैंने मतलब थोड़ा सा पापा का सपोर्ट लिया था, बाकी उसके बाद मैंने सब कुछ अपना उस पर करा था। बाकी 2.5 मिनट की वीडियो बन चुकी है, और एक्ने वैकने हैं नहीं इसमें, ठीक है, बाय, लव यू। Five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15. Stop. Squats. 1, continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stop. All right guys, तो हम लोग आ चुके हैं, आज मेरा बैक डे है, day 2 है, ट्रांसफॉर्मेशन का day 2 है। तो कोच भैया बताएंगे कि आज हमें क्या क्या करना है, आज बताओ।
आज आपका बैग बैग है। अच्छा, बैग में सबसे पहले चिनप्स होंगे। अच्छा, ठीक है। चिनप्स के बाद सिंगल हैंड नंबर, ठीक है। सिंगल हैंड के बाद टीवाल लेनी है आपको। टीवाल के बाद बैंड ओवर, बैंड ओवर एंड फ्रंट पुलिंग एंड बैक पुलिंग और पुल ओवर, ठीक है। और जो बेसिकली जितने भी मेरे दोस्त वोस्त हैं, जितने भी जो अदर जिम में करते थे, जो मेरे को देख के कहीं और जिम में गए थे, तो बेसिकली मैं अभी फिलहाल जो कंटिन्यू जिम है यहाँ पे कर रहा हूँ। ये जिम का नाम है दी टारगेट जिम। जिसको भी ये एड्रेस चाहिए होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फुल एड्रेस आ जाएगा। और फ़ोन नंबर जो कॉन्टैक्ट आ रहा होगा साइड में आ रहा होगा, भैया का नंबर है, आप कुछ भी डिटेल पूछ सकते हो। भैया को एक्सपीरियंस कितने साल का भैया बताओ? मेरे को 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। भैया की पहले जिम कृष्णा नगर में भी थी, वो वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिया उन्होंने, और काफ़ी अच्छा जिम है। मैं आपको एक बार इसका सिनेमेटिक दिखा दूंगा। अगर आपको कुछ भी मतलब वीडियो में देखना होगी जिम में क्या क्या है, आप नहीं आके देख सकते, यहाँ आके देख सकते हो। चार पाँच ट्रेडमिल है, सारे इक्विपमेंट है जो आपको चाहिए। और मेरी तरफ से कोई आता है उसके लिए क्या हो? तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? आपकी तरफ से जो आता है वो आपका नाम लेके आएगा, उसको स्पेशली डिस्काउंट दिया जाएगा। और ज़्यादा भैया सब पे ध्यान देते हैं, रेगुलर सब पे एक एक मतलब कोई बंदा नहीं छोड़ता, भैया सब पे ध्यान देते हैं। और अभी आपने देखा ही होगा कि सबको कैसे पुशअप और पुलअप करवा रहे थे, मतलब स्क्वाट लगवा रहे थे। ये यहाँ पे वेट लॉस ट्रेनिंग और वेट लॉस वेट गेन, ये जो मैं करा रहा था ये खाली वार्म अप वर्कआउट है। ये वार्म अप वर्कआउट तो मेन वर्कआउट तो अब शुरू होगा इनका वार्म अप के बाद। तो भैया से मैंने चैलेंज ले चुका हूँ मैं 3 महीने का, आपको सारे अपडेट रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। मैं रेगुलर अपडेट डालूंगा रोज़, या फिर एक दिन छोड़ के अपना ट्रांसफॉर्मेशन का डे दिखाऊंगा जरूर, चाहे वो छोटा ही सही। मैं अपना दिन का कुछ वर्कआउट का कुछ जितना भी शेड्यूल है मैं जरूर ऐड करूंगा हर ब्लॉग में। तो भैया ठीक है, मिलते हैं। ओके। बाकी भैया का नेचर बहुत अच्छा है, इनका जो नंबर होगा भैया स्क्रीन पर आ रहा होगा। कुछ भी डिटेल पूछनी हो इनसे फ़ोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाय, लव यू। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back?
ओके, तो वर्कआउट हो चुका है डन और इस समय 11 बज गए, देखो 10:54 हो रहे हैं, 4 मिनट बचे हैं। आज मैं सुबह नहीं आया था, रात को आया था और यहाँ पे भाई जिम में आके तो भाई समझ लो कोच मारे हो बैठे। तो उस टाइम पे मतलब जिस टाइम पे मैं आया था ज़्यादा भीड़ थी, अब तो कुछ भी भीड़ नहीं है। ये देखो खाली पड़ा है, 11 बजे पूरा ओके। तो हम जा रहे हैं, ऐसे मैं वीडियो डालता रहूँगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, वीडियो पसंद आई हो तो भाई देखो सपोर्ट करना, अच्छे से सपोर्ट करो, क्योंकि अब मैं रेगुलर वीडियो डालूँगा और भी कंटेंट आने वाले इस चैनल पे, फोटोग्राफी, फैशन, ब्लॉगिंग, सब चीज़, फिटनेस का भी। अभी मेरे को पता है बंदे मेरे को जज करेंगे कि तू भाई खुद की बॉडी तो है नहीं, तू अभी से ऐसे क्यों दिखा रहा है, पर भाई सीधी बात यह है मैं कुछ फेक नहीं दिखा रहा, जो रियलिटी है वही दिखा रहा हूँ, अपने की बस की नहीं है फेक वेक करना, सीधी सी बात। 3 महीने का चैनल दिया है, करके ही दम लेंगे, सीधी सी बात। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय श्री कृष्णा, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, इट्स योर सोलो स्टाइलिस्ट, बाय।